नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके जी की चैनल में। और इस बार की नई खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नई जॉब के साथ। जी हाँ, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और नोटिस जारी किया है अपने एडवर्टीजमेंट का, और ये ऑलरेडी इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 18 नवंबर 2017 से, जो कि है आपकी जॉब कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL के लिए। और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका 10+2 लेवल का होता है, और जैसे कि CGL होता है यानी कि कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसी तरीके से कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, जिसपे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका 10+2 के लेवल का होता है, और जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो भी आपकी 10+2 ही होती है। तो जो उसकी ऑलरेडी स्टार्ट डेट हो चुकी है 18 नवंबर 2017 से, और ये चलेगी आपकी 18 दिसंबर 2017 तक। तो आइए जानते हैं इस जॉब के अंदर क्या क्या है और किस तरीके से आपको फिल करना है, और क्या क्या इसके एजुकेशन क्राइटेरिया है, और उन सब के बारे में हम जानते हैं। जी हाँ, तो जब अगर इस पर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो जो उसकी टेंटेटिव वैकेंसी पोस्ट है, मतलब एक तरीके से निर्धारित है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो कि अभी तक उनके एडवर्टीजमेंट में उसमें उन्होंने ये लिखा है कि यानी कि LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है आपके 898 इस पर पोस्ट हैं। और नेक्स्ट जो जॉब है आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके लिए होती है आपकी 2,359 पोस्ट यानी कि 2,359। और DEO यानी कि होता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए हैं 2 पोस्ट। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A लेवल, इसके लिए है अभी नील है, इसके लिए कोई अभी पोस्ट मतलब सेट नहीं करी, हो सकता है इसको घटाया ख़त्म भी किया जा सके, लेकिन उम्मीद है इस पर पोस्ट ज़रूर आएंगी। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है, ये उनका कहना है। और अगर हम इस पर नेक्स्ट बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये एग्ज़ाम होता है आपका हाईएस्ट सेकेंडरी का, तो इस पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 12वीं पास, और जो कि इन्होंने इस समय वक्त दिया आपको 1/8/2018 तक आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वो बोर्ड होना चाहिए आपका, जैसे कि डिस्टेंस बोर्ड भी आपका हो सकता है, ओपन बोर्ड भी आपका हो सकता है, डीम्ड अगर कोई कॉलेज है या प्राइवेट स्कूल है, और या फिर आपके UGCSE से जो सर्टिफाइड स्कूल होता है उसके पास इन सब की मान्यता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास एक्सटेंड बहुत ज़्यादा टाइम दिया है यानी कि 1 अगस्त 2018 तक का समय, यानी कि जो लोग एस्पिरेंट जो समय 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो समय अपेयर करेंगे मार्च के एग्ज़ाम, वो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। इनका जो नेक्स्ट जो इस पर एक लॉ है, मतलब एक नॉर्म है, उस पर लिखा गया है कि जो उनके पास एविडेंसेस होने चाहिए, मतलब आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए कि आप 12वीं पास हो चुके हो, वो आपको आ जाने चाहिए 1 अगस्त 2018 से पहले पहले। और जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रेफरेंसेस देंगे, उनके पास ज़रूरी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम और विद मैथमेटिक्स, यानी कि PCB वाले इसको फिल नहीं कर सकते हैं इस प्रेफरेंसेस को, लेकिन फॉर्म ज़रूर फिल कर सकते हैं। और मगर उनके पास अगर मैथ्स है तो ये जा सकते हैं आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कैंडिडेट्स हु नॉट येट रिक्वायर्ड, और उनके पास अभी कोई ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, बट आ जाएगा 1 अगस्त 2018 से पहले पहले, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कई सारे लोग इस समय NDA वगैरह की भी तैयारी करते हैं और NDA का एग्ज़ाम भी देते हैं, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं। तो जो उसकी नेक्स्ट है आपकी एज लिमिट की, जो उन्होंने इस पर बात रखी है, तो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर उन्होंने रखा है कि 18 से लेकर 27 साल के बीच पे उनकी उम्र होनी चाहिए। जो लोग बॉर्न हुए हैं आपके 2/8/1991 से लेके और 1/8/2000 तक, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि अगर जिनकी उम्र होती है आपकी 1/8/1991 तो वो इसको फिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि 1 अगस्त से पहले पहले या 1 अगस्त 1991 वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, यानी कि 2/8/1991 से लेके 1/8/2000 तक वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी एक कैटेगरी में फिल करते हैं जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी कि SC ST या OBC, तो उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, और जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको 10 साल का। और अगर कोई ऐसा पर्सन है वो OBC कैटेगरी में भी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसको 13 ईयर्स का, साथ ही उनको मिल सकती है जो ST SC में कैटेगरी फिल करते हैं तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन उस पर मिल सकता है। मगर कई सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो कॉमन है मैंने उसको यहाँ पे लिया है। आप इसको डिटेल में जा सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा एडवर्टीजमेंट का और पूरा नोटिफिकेशन का, आप किस किस तरीके से अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं।
जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है आपका एग्जाम स्कीम क्या होगा, एग्ज़ाम का जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड है, और जैसे कि पेपर होता था वैसे पहले, लेकिन जो लास्ट पेपर है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही हुआ था। तो जो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा टायर टू के लिए, और टाइपिंग टेस्ट स्किल होगी वो टायर थ्री के लिए। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा टायर वन वाला वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो है इस पे होंगे आपके चार पार्ट। तो जो पहला पार्ट है इस टायर वन के अंदर वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि होगा 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के लिए। और सेकंड होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, सेम होगा आपका 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव जो कि बेस्ड होता है अर्थमेटिक स्किल्स में, जो कि होता है आपकी 10th तक की स्किल्स होती हैं इसमें, टाइम वर्क वगैरह वगैरह सारा मिला के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और सेम है आपका 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई होती है और साथ ही हो सकती है स्टैटिक भी, तो ये होती है आपकी 50 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के होते हैं 100 क्वेश्चंस और होते हैं 200 मार्क्स के। और जो उसका डेट है वो आ जाएगी आपकी 4 से लेके 26 मार्च के बीच बीच में, और जो आप इसका एडमिट कार्ड इसको डाउनलोड कर सकते हैं फरवरी मंथ के अंदर। तो तैयार रहेगा जो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि 4 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में इनको एग्ज़ाम हो सकता है फर्स्ट ईयर का, तो वो तैयारी कर सकते हैं, अभी काफ़ी लंबा समय है उन सभी के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसका पहले एग्ज़ाम होता था वो होता था 75 मिनट्स का, जिसको घटा के रिड्यूस करके कर दिया गया 60 मिनट्स के लिए। और जो लोग हैंडीकैप्ड है या फिर डिजेबिलिटी के साथ है किसी के साथ, और उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं बता दूँ, इस पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 1/4 आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कैरी करता है, और यानी कि आपके 0.50 आपके मार्क्स कट जाएंगे। जो टायर टू एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्ट टायर वन के बाद, और ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। और टायर टू होगा आपका सेम 100 मार्क्स का, और इस पर क्या होगा पेन पेपर मोड से ही होता है। इस पर क्या करना होता है कि आपको कोई भी ऐसे दे सकते हैं जिस पर ऐसे राइटिंग के लिए आपको 200 से 250 वर्ड्स के अंदर एक ऐसे लिखना होता है, और साथ ही लिखनी होती है एक एप्लीकेशन जो कि एस्टिमेटेड होती है 150 से 200 वर्ड के बीच पे। और इसके बाद जो होता है आपने अगर टायर टू में क्वालिफाई किया है 33%, तो उसके बाद ही आप टायर थ्री के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि आपको पहले टायर वन में क्वालिफाई होना है, जिनका नाम आएगा उनको फिर जो टायर वन का जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके बाद नाम आता है आपका टायर टू के लिए, वो जा सकते हैं। और उसके बाद दोनों को मिला के आप टायर थ्री के लिए आपकी नई एक मेरिट तैयार होती है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सी मोड में देना चाहते हैं, लेकिन मोड की मैं बात करूँ तो आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट लैंग्वेज होते हैं आपके पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश पे। अगर आपने हिंदी चूज़ की तो आपको सारा जो ऐसे है वगैरह जितनी चीज़ें सारी आपको हिंदी में ही लिखनी होंगी, अगर आपने इंग्लिश चूज़ करी तो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश पे ही लिखनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप हिंदी इंग्लिश को दोनों को मिला के आप बता रहे हों। और जो नेक्स्ट है वो है आपका टायर थ्री के लिए, और टायर थ्री के लिए जैसे कि मैंने कहा कि टायर वन टायर टू के दोनों का मार्क्स को कंबाइन की के टायर थ्री के लिए बनाई जाएगी, जो कि आपका एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। और ये टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका जो LDC है और JSA के लिए, या पोस्टर असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए। और इस पर आपको एक एप्लीकेशन होती है, ये आपको चूज, और इस पर आपको क्या है कि टाइपिंग करने के लिए दे सकते हैं, और इस पर आपको 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइप करना होता है। इस पर भी सेम ऑप्शन होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस पर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं टाइपिंग के लिए या इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आपने हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट करी है तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है, अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या आपका सिलेबस के अंदर आएगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। तो आपके जो जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एबिलिटी है और जनरल अवेयरनेस है, ये आपको दोनों मोड वहाँ पर नज़र आएंगे, आप हिंदी और इंग्लिश पे क्वेश्चन दोनों आपको आगे आपके आगे नज़र आएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले को छोड़ के। तो इस सिलेबस के हिसाब को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिलेबस के लिए भी मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को सिलेक्ट करके सीधा सिलेबस पे जा सकते हैं। मगर अगर आपको नहीं जाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, जब हमने इतनी सारी बात कर ली है तो आप जब जॉब के लिए जा रहे हैं तो यकीनन पैसों के लिए ही जा रहे हैं,
तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या पे स्केल है, वो भी आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो LDC है उसकी जो पे बैंड है वो भी आपकी 5200 से लेके 20,000 के आसपास होती है। तो ये सारी यहाँ पे स्केल्स यहाँ पे दिखा रखी है और अलग अलग ग्रेड पे के साथ, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, आप किस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं SSC CHSL ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और वो आपकी साइट है www.ssc.nic.in पे, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक जो सेक्शन है, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके सीधा पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, या फिर अपने ब्राउज़र एड्रेस पे आप टाइप कर सकते हैं 164.100.129.99/CHSL2017। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी जो डेट है 18 नवंबर 2017 से, जो कि चली गई आपकी 18 दिसंबर 2017 तक। और इस पे जो फीस, एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपीज़ है जनरल और OBC के लिए, मगर वुमेंस के लिए इस पे कोई आपको फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। इस पे कोई भी जो गर्ल है वो उसको फिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही जो SC ST या फिज़िकल हैंडीकैप्ड है और एक्स सर्विस मैन है, उनको भी किसी तरीके से कोई नहीं है यहाँ पे उनको देना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यानी कि जो फॉर्म फ़ीस बचती है वो है सिर्फ आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए। और आप इसकी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं SBI के थ्रू चालान जनरेट करके, या फिर नेट बैंकिंग, या फिर अदर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ ही। तो साथ ही क्या है कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SSC की जो लास्ट टाइम का इसी एग्ज़ाम का जो Tier 1 का कट ऑफ किया था वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। SC के लिए गई थी 108 कट ऑफ और कैंडिडेट थे आपके 7879। तो ST के लिए भी आप देख सकते हैं 99 मार्क्स गए थे, और कितने कैंडिडेट थे वो आपके 3500 के आसपास थे। तो इस तरीके से कट ऑफ है, आप आइडिया लगा सकते हैं इस कट ऑफ का, जो कि अनरिजर्व के लिए गई थी 127 और आपके कैंडिडेट अवेलेबल थे आपके 14517। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पेपर हुआ था और आगे की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी और आपको कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस बार टाइम को रिड्यूस किया गया तो शायद इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पिछले वाली कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स ऊपर ही जाते हैं, लेकिन इस बार का जो टाइम रिड्यूस किया इससे भी शायद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, या फिर आपको कोई डाउट हो या फिर आप कुछ भी आपको क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका टाइम मिलते ही आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, और आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए होगी तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे से चैनल के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।